मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल सुरखाब सेखों विच। अज आपां बनावांगे बिल्कुल पंजाबी स्टाइल दे विच बेसिक मसालियां दे नाल आलू गोभी दी सब्जी। ये मैं गोभी लई है, ये तकरीबन 200 से 250 ग्राम गोभी है। इसनूं मैं चंगी तरह कट के वॉश कर लिया है, इसनूं मैं 3 से 4 पानी वॉश किया है। इस दे हुण मैं ये डंडल लए आ, इन्हां डंडलां नूं भी आपां चंगी तरह वॉश करके कट लिया है। डंडलां दे नाल सब्जी बहुत ही ज़्यादा करारी बनती है। इत्थे मैं 3 से 4 मीडियम साइज़ दे आलू लए हन, इन्हां नूं भी आपां चंगी तरह वॉश करके कट लिया है। इन्हां नूं मैं पानी विच रख दिता है ताकि काले ना होण। तड़के दे वास्ते आपां 3 प्याज लए हन ते 2 टमाटर, लसन अदरक का पेस्ट ते 2 हरियां मिर्चां, इन्हां नूं भी आपां बरीक कट लिया है। हुण आपां सब्जी तैयार करदे हां। इस दे लई सब तों पहलां मैं गैस दे उपर एक कढ़ाई रखी है। इस दे विच आपां 2 से 3 चम्मच तेल पावांगे। मैं सरों का तेल यूज़ किया है। हुण इस दे विच अद्धा चम्मच आपां जीरा पा देवांगे। जीरा थोड़ा रोस्ट होण तों मगरों इस दे विच लसन अदरक का पेस्ट पा के इस नूं भी चंगी तरह रोस्ट कर लवांगे। यह सब्जी आपां बिल्कुल बेसिक मसालियां दे नाल ही तैयार करांगे। इस दे विच आपां कोई भी स्पैशल मसाला ऐड नहीं करांगे। हुण इस दे विच आपां कट्टे हुए प्याज ऐड कर लवांगे। इन्हां प्याजां नूं भी आपां ब्राउन होण तक चंगी तरह भुन लवांगे। पंजाबी स्टाइल गोभी बनाउण दे विच आपां बिल्कुल सिंपल मसाले ही ऐड करदे हाँ। यह सब्जी बहुत ज़्यादा वधिया बन के तैयार होंदी है। हुण इस दे विच आपां कट्टे हुए आलू ऐड कर लवांगे, क्योंकि आलूआं नूं थोड़ा जिहा गलन ते ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आपां इन्हां नूं पहलां ऐड कर लवांगे। इन्हां नूं आपां प्याजां दे नाल ही थोड़े टाइम दे लई भुन्नांगे। इस दे विच एक चम्मच मैं लूण दा पा लिया है, अद्धा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ते अद्धे तो भी थोड़ा चम्मच आपां हल्दी पाउडर पावांगे। हल्दी आपां थोड़ी ही पावांगे। अद्धा चम्मच आपां गरम मसाला पाउडर, अद्धा चम्मच जीरा पाउडर पाया है। हुण इस नूं चंगी तरह आपां मिक्स कर लवांगे। ते इस नूं हुण आपां 2 से 3 मिनट दे लई होर भुन लवांगे। हुण आपां नूं 2 मिनट हो गए है इन्हां नूं भुनदिआं, ते इस दे विच हुण आपां डंडल पा देवांगे ते नाल ही इस दे विच आपां टमाटर ऐड कर देवांगे। हुण इन्हां नूं हिलाउंदे होए आपां मिक्स करके थोड़े टाइम दे लई इसे तरह पकावांगे। हुण इस दे विच आपां कट्टियां होईयां हरियां मिर्चां ऐड कर लवांगे। इन्हां नूं चंगी तरह मिक्स करके आपां कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम दे उपर 3 से 4 मिनट दे लई पकावांगे। इस दे नाल अपने आलू भी सॉफ्ट हो जाणगे ते अपने टमाटर भी वधिया तरह भुज जाणगे। गोभी बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाती है, इसलिए आपां सब तो मगरों उस नूं ऐड करांगे। अपने आलू काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, हुण आपां इस दे विच गोभी ऐड कर लवांगे। बिल्कुल आपां हल्के हत्थां दे नाल ही मिक्स करांगे तां कि अपनी सब्जी बहुत वधिया खड़ी खड़ी खिली खिली बने। तुसी इस तरह बिल्कुल सिंपल तरीके दे नाल सब्जी बना के देखियो, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बन के तैयार होंदी है। ये देखो हुण अपनी सब्जी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है, ये कितनी ज़्यादा वधिया बनी है। हुण इस दे विच आपां थोड़ा जिहा कट्टिया होया धनिया ऐड कर लवांगे। इस दे नाल सब्जी का स्वाद दुगना हो जाता है। जेकर तुहानू मेरी वीडियो थोड़ी भी वधिया लगी तां प्लीज़ मेरी वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर करियो। ते जेकर तुसी मेरे चैनल ते पहली बार आए हो तां प्लीज़ मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करियो ते नाल दे बैल आइकन बटन नूं जरूर प्रेस करियो तां कि आउण वालियां वीडियो दा नोटिफिकेशन तुहानू सब तों पहलां मिल सके। हुण अपनी सब्जी बिल्कुल बण के तैयार है, हुण आपां इस नूं सर्व कर लवांगे। ये देखो किन्नी वधिया अपनी खिड़ी खिड़ी गोभी तैयार हुई है। ये आपां बिल्कुल सिंपल तरीके दे नाल तैयार कीती है, कोई इस दे विच आपां स्पैशल मसाला यूज़ नहीं कीता। ये आलू गोभी बनाउण दा बिल्कुल सिंपल ते आसान तरीका है, इस नूं बिगनर भी बना सकदे हन। ते जेकर तुहानूं वीडियो थोड़ी भी वधिया लगी तां प्लीज़ लाइक जरूर करिया करो। धन्यवाद।